Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning, class. In the last lecture, we were discussing about the Java programming language and about the web technology, how it processes among the globe. Okay. So today we are discussing about some key terms like Java applet, string handling, event handling, and AWT, Abstract Window Toolkit. Okay. तो Java applet basically होते क्या हैं? In definition, it is a Java programming that can be embedded in a Java in a web page. It runs inside the web browser and work at client side. It is embedded in a HTML page using the applet or object tag and host on a web server. ठीक है? जावा एप्लेट बेसिकली एक तरह का प्रोग्राम है होता है. ठीक है, ये आपके आपके वेब पेज पे बेसिकली वेब पेज क्रिएशन में आपका काम आता है. आप वेब पेज आप क्रिएट करते हैं तो उसके जो चेकबॉक्स बनते हैं, उसके स्क्रॉल स्क्रॉलिंग जो स्क्रॉल पेज के लिए होता है और इमेजेस को अपलोड करने के लिए रहता है. ठीक है, तो बेसिकली ये सारे जो एक यूजर फ्रेंडली जो वेब पेज हम क्रिएट करते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए आपका जावा एप्लेट प्रोग्राम यूज किया जाता है. और आपका ये एप्लेट टैग्स में एंड ऑब्जेक्ट, ये टैग्स आपके यूज किए जाते हैं टू रन द प्रोग्राम ऑफ जावा एप्लेट. ओके, और बेसिकली ये आपके क्लाइंट साइड के तरफ से ही वर्क करता है. क्लाइंट यू एज अ यूजर, यूजर को जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती है, तो जो भी उनके रिक्वेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, तो वो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपके जावा एप्लेट्स वर्क करते हैं ऑन क्लाइंट साइड. ठीक है, और बेसिकली ये यूजर फ्रेंडली होता है, ये प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली होता है. और इनके कुछ एडवांटेजेस हैं. पहला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि जो भी आपके प्लेटफॉर्म जिस आपके प्लेटफॉर्म्स में जावा वर्चुअल मशीन इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, JVM इन्वॉल्व रहता है, उस प्लेटफॉर्म पे ये इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट नहीं करती है. जिस प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपके जो OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपके जावा JVM अपलोडेड नहीं रहते हैं, आपके जावा पैकेजेस नहीं रहते हैं, तो वहां पे आपके ये जावा एप्लेट्स वर्क नहीं करेगा. जावा एप्लेट बेसिकली एक आपका प्रोग्राम है. ठीक है, आपका एक आपका जो जावा आपके जो जावा पैकेज है ना, जावा पैकेज का एक मेंबर है ये जावा एप्लेट. ठीक है, तो और JVM बेसिकली मैंने बताया था, JVM जावा वर्चुअल मशीन आपकी एक स्पेसिफिकेशन होती है, जिसमें कि जैसे कि एक तरह का स्क्रिप्ट होता है ना, स्क्रिप्टिंग के लिए कि कैसे आपका प्रोग्राम वर्क करेगा, वैसे ही वो JVM अगर आपके नहीं इन्वॉल्व है किसी भी OS में, अगर आपका JVM नहीं है इन्वॉल्व, तो आपका जावा एप्लेट वर्क नहीं करेगा. ठीक है, उस पर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं होगा. नेक्स्ट है आपका रिड्यूस नेटवर्क लोड. रिड्यूस नेटवर्क लोड में क्या होता है कि जावा एप्लेट प्रोग्राम्स आपके बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत इसका जो डेटा वेटेज होता है ना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसके वेटेज बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, ये बाइट कोड में वर्क करता है. ठीक है, तो जिस वजह से इनके जो ट्रांसफर इन नेटवर्क होते हैं, इन प्रोग्राम की जो नेटवर्किंग जो ट्रांसफर होता है वो बहुत इजीली होता है. ठीक है, तो इसमें आपका नेटवर्क पे लोडिंग नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव यूजर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जावा एप्लेट्स आपके आपके वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए काम आते हैं, तो ये आपका एक नेक्स्ट एडवांटेज हो गया. रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी में क्या होता है कि आपके जो कोई भी प्रोग्राम, जावा एप्लेट प्रोग्राम जो आपने वेब पेज पे यूज किया है, सेम वही कोड आप दोबारा यूज कर सकते हैं किसी और वेब पेज को ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनहांस सिक्योरिटी. एनहांस सिक्योरिटी बेसिकली आपके जो जावा एप्लेट होते हैं ना, वो एक तरह का सैंडबॉक्स होता है. सैंडबॉक्स बेसिकली
डिनोट करते हैं उन प्रोग्राम्स को जो कि यूजर यूजर प्रोग्राम या रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इसमें इनहैंस सिक्योरिटी में ये रहता है कि हम उन प्रोग्राम्स को, उन यूजर डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के। जब तक हम पहले परमिशन एक्सेस परमिशन लेंगे, फिर जब तक वो हमारे परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं तब तक हम वो यूजर्स को या रिसोर्सेज को नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग। अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। इन जावा स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास यूज टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इट इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होती है। स्ट्रिंग आपका, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एरे के बारे में बताया था, एरे में क्या होता है आपकी होमोजेनियस डेटा यूज किए जाते हैं और उसमें बेसिकली इंटीजर डेटा जो होते हैं ना, इंटीजर डेटा आपके 1, 2, 3, 4 इस टाइप के जो डेटा होते हैं आपके स्टोर किए जाते हैं आपके एरे में। ठीक है, और मतलब कि आपके जो ये इंट डेटा टाइप होते हैं ना, इन डेटा टाइप का बेसिकली यूज होता है आपके एरे में। ठीक है, और स्ट्रिंग आपके यूज होते हैं कैरेक्टर डेटा को स्टोर कराने के लिए। एरे और स्ट्रिंग में आपका एक यही डिफरेंस है कि जो आपका एरे होता है, एरे बेसिकली आपके स्टोर करा दी जाती है इसमें डेटा, जैसे कि 1, 2, 3, 4 आपने डेटा स्टोर करा है। ठीक है, अब हमें यूजर को सिर्फ 3 डेटा की जरूरत है, 1, 2, 3 डेटा की जरूरत है, उसे 4 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये स्पेस खाली रह गया, तो ये आपका स्पेस वेस्टेज जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरे में ये वेस्टेज चला गया। अब स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर का स्टोरेज कराते हैं ABCD। ठीक है, स्ट्रिंग का हम कैरेक्टर स्टोरेज कराते हैं। अब इसमें डिफरेंस ये है कि एक ये नल कैरेक्टर भी स्टोर करता है, देखिए नल कैरेक्टर भी स्टोर करता है। अब बाय चांस अगर कोई डेटा आप यूजर आपका डिमांड कर रहा है कि हमें सिर्फ 3 डेटा की जरूरत है, ABC की जरूरत है, तो हमें डेटा डिलीट कर देता है। डेटा डिलीट किया तो ये भी आपको यहाँ पे नल कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आपका ऐसा नल कैरेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके वेस्टेज ऑफ स्पेस का स्पेस आपके वेस्टेज नहीं जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग बेसिकली आपके कैरेक्टर डेटा को यूज करने के लिए होते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसा कि मैंने बताया इन जावा स्ट्रिंग इट इज अ ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। और स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास यूज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि बताया प्री डिफाइंड क्लास होता है ऑलरेडी, मतलब इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, इनकी जो स्पेसिफिकेशन मान लो या इसके जो भी फीचर्स होते हैं वो सब ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनके जो वर्किंग होते हैं, कैसे ये वर्क करेगा, ये यूजर डिफाइंड नहीं होता है, ये ऑलरेडी आपके जावा पैकेज में ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं। ठीक है, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि ये एक बार क्रिएट कर दिए गए तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ था कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपके जो भी होते हैं वो उनके स्पेसिफिकेशन, उनके फीचर्स जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू हमेशा ऑलरेडी एक स्पेसिफाइड दे दिए जाते हैं कि वो इसी तरह से वर्क करेगा। और यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो यूजर के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं, उनको हम टाइम टाइम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उनके फीचर्स। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग। अब नेक्स्ट है आपका इवेंट हैंडलिंग। इट इज अ मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द इवेंट एंड डिसाइड व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट अकर। डेलीगेशन इवेंट मॉडल इज यूज बाय जावा। ठीक है, बेसिकली इवेंट हैंडलिंग आपका एक तरह का जैसे कि कोई इवेंट कोई अकर कर रहा है, बाय चांस आपके प्रोग्रामिंग को, आपके सॉफ्टवेयर को कोई आपके इवेंट कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई प्रोग्राम कोड रन कर रहा है, तो उस प्रोग्राम और कोड में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यूज ना आए, उन इवेंट्स को हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज होता है। ठीक है, और इसका जो कोड यूज किया जाता है उसे कहते हैं इवेंट हैंडलर। ठीक है, और आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेलीगेशन इवेंट
मॉडल, ये मॉडल यूज किया जाता है फॉर इवेंट हैंडलिंग। कोई भी इवेंट अगर कर रहा हो तो कोई फेलियर ना हो उसमें, उस इवेंट को हैंडल करने के लिए ये आपके ये मॉडल यूज किए जाते हैं फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो किट। इट इज अ API फॉर क्रिएटिंग API बेसिकली आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ठीक है, एक तरह का ये माध्यम है, मीडियम है फॉर यूजर एंड सिस्टम। ठीक है, आपके सिस्टम को और यूजर के बीच में कोई एक एज अ मीडियम के तौर पे यूज करते हैं ताकि हम इंटरैक्ट कर सके उस वेब पेज से, वेबसाइट से, ठीक है, जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं उनसे इंटरैक्ट कर सके, उसे कहते हैं आपका API। तो आपका ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट आपका एक API है, एक तरह का मीडियम है फॉर यूजर एंड सिस्टम फॉर क्रिएटिंग GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली आपका होगी जिस तरह की वेबसाइट। ठीक है, आपकी विंडोज में जो एप्लीकेशन कई सारे दिए रहते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन और वेबसाइट, वेब पेजेस, ये सब आते हैं आपके GUI में। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टूल किट आपका एक तरह का API है जो कि क्रिएट करता है GUI। ठीक है, इट अलाउ जावा टू डेवलप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन जैसा बताया मैंने, आपकी GUI में एप्लीकेशन वेबसाइट वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन AWT प्रोवाइड वेरियस कंट्रोल लाइक लेबल, बटन, चेकबॉक्स, लिस्ट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, इमेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो आपके वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, आपका ये एक तरह का ये AWT कंट्रोल्स हो गए। ठीक है, ये आपके AWT कंट्रोल्स हैं, इनको एज अ कंपोनेंट भी बोल सकते हैं जो कि आपके वेब पेजेस को यूज क्रिएट करने में काम आते हैं। जैसे कि हो गया आपका लेबल। अब लेबल, जैसे कोई आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो तो आपकी जो स्टार्टिंग होगा, जो पहला पेज होगा, कोई नेमिंग करेंगे ना आप उसको, तो वो हो गया आपका लेबल। तो वो लेबल क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका बटन। बटन्स आपके, जैसे कि आपको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू का एक बटन क्रिएट करा जाता है, तो आप ये सब भी इस टूल किट से क्रिएट कर सकते हैं। चेकबॉक्स हो गया, चेकबॉक्स लाइक अगर आपको यूजर से कोई क्वेश्चन पूछना है कि हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है या नहीं, कंटिन्यू करना है या नहीं, येस और नो में, तो येस और नो में आप ऑप्शन दे सकते हैं येस या नो। ठीक है, चेकबॉक्स हो गया आपका। लिस्ट हो गई, लिस्ट ऑफ कंटेंट, जो भी कंटेंट लिस्ट होगा आपका वेब पेज या वेबसाइट के लिए, वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड बेसिकली जैसे कि कोई आपका टेक्स्ट पैरा दिया हुआ है, किसी पर्टिकुलर लाइन को आपको चेंज करना है, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आपका जो है प्रॉपर नंबर ऑफ लाइंस को अगर चेंज करना है वो आ जाता है आपका टेक्स्ट एरिया। और इमेजेस, जो भी आपके ग्राफिकल यूजर ग्राफिकल वे में जो इमेजेस रहते हैं वो सारे को अपलोड करने के लिए आप AWT का यूज कर सकते हैं। तो ये है आपकी कई टाइप के कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो ये और कंपोनेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस किट। अब नेक्स्ट है आपका लेआउट मैनेजर। द लेआउट मैनेजर इनेबल अस टू कंट्रोल द वे इन विच विजुअल कंपोनेंट्स आर अरेंज इन द GUI फॉर्म बाय डिटरमाइनिंग द साइज एंड पोजिशन ऑफ अ कॉम्पोनेंट। अब लेआउट मैनेजर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज किया होगा आपने, उसमें पावर पॉइंट यूज किया, पावर पॉइंट में एक लेआउट ऑप्शन होता है, तो लेआउट उसी से आप समझ लीजिए कि लेआउट ऑप्शन में क्या होता है कि कोई पेज में किसी डायग्राम को या कोई आपके लिस्ट ऑफ डेटा है तो उसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको 4 पार्ट में अरेंज करना है, ग्राफिकल एक ग्राफिकल अपीयरेंस देना है इसको। ठीक है, थोड़ा इंट्रैक्टिव। अब आप सिंपल लाइंस में लिख दें तो वो इतना इंट्रैक्टिव नहीं होगा अगर आप उसको ग्राफिकली अलग अलग लेआउट बना के अगर आप करेंगे तो। आपको जैसे 4 सेक्शन में कोई डिवाइड करना है तो आपके डिफरेंट लेआउट हो गया, तो ये लेआउट को मैनेज करने के लिए आपके जो भी आपने फील्ड क्रिएट किया है, आपने टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, इमेजेस क्रिएट किया, तो उसको डिफरेंट लेआउट देने के लिए लेआउट मैनेजर एज अ मैनेजर ये सारी चीजें मैनेज करता है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो भी आपके कंट्रोल्स हैं,
ठीक है, ये इनको एक तरह का एक मीडियम देता है, एक वे देता है टू विजुअलाइज द कंपोनेंट। ये जो आपकी जो कंपोनेंट है ना, इन्हें विजुअलाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेआउट, ये आपका लेआउट मैनेजर वर्क करता है, ठीक है, ताकि आपके जो आपने जो भी वेब पेज या वेबसाइट जो भी क्रिएट करी, GUI फॉर द यूजर जो भी क्रिएट किया आपने, वो ज्यादा इंटरैक्टिव वे में विजुअलाइज हो, आपके यूजर इजिली एक्सेस कर सके आपके, और वो ज्यादा अच्छे से समझ सके आपके वेब पेजेस को। ओके, तो ये हो गया आपका लेआउट मैनेजर। तो यहाँ आपका फर्स्ट यूनिट ओवर हो गया। थैंक यू।